रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की तैयारियों के संबंध में हमने सभी पत्रकार लोगों को बुलाया था और हमने उनके साथ अपनी तैयारियां जो भी था वो शेयर की है और हम आगे आने वाले दिनों में क्या काम करने जा रहे हैं वो भी शेयर किया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूँगी कि वो देवास के सम्मानीय नागरिकगणों तक हमारी बात पहुँचाए और चूँकि स्वच्छता ये अभियान नगर निगम का अकेले नहीं है, इसमें सम्मानीय जनता हमारी पूरी तरह से सहभागिता करे, हमारे प्रयासों को सफल बनाए, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग करके कचरा गाड़ी में डाले, घर के बाहर कचरा न फेंके, पॉलीथीन का उपयोग न करें और स्वच्छता सुनिश्चित करने में हमारा सहयोग करें, इसी आह्वान के साथ आज हमने ये कार्यशाला बुलाई है। किस तरह के और आयोजन शहर में हो रहे हैं? हम जगह जगह पूरी हम नाले नालियाँ साफ करवा रहे हैं, गाजर घास कटवा रहे हैं, बस स्टैंड का कायाकल्प किया गया है, रेलवे स्टेशन भी साफ करवाया गया है, सड़कें साफ करवाई गई है, जो निर्माण कार्यों का जो वेस्ट मटेरियल है हमने वो उठवाया है, पूरी स्वच्छता अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगाई जा रही है, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को पूरी तरह से साफ किया गया है और इसके साथ ही कुछ जगहों पर सुंदर पेंटिंग्स बना रहे हैं, डिवाइडर्स भी हम सुंदर बनवा रहे हैं, सभी को पेंटिंग करवा रहे हैं ताकि सभी को स्वच्छता का एहसास हो और शहर सुंदर लगे, सभी लोग शहर को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ देवास के सम्मानीय नागरिकों से, आप सभी के माध्यम से, मैं बाहर से आई हूँ, कुछ समय रहकर चली जाऊंगी, लेकिन यह शहर आपका अपना शहर है, यहाँ पर आप हमेशा से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इसको स्वच्छ रखें, सुंदर बनाए रखें और हमारा सहयोग करें, इसको हमेशा स्वच्छ बनाए रखें।